फ्रांस के डिजोन नामक जगह में 1517-28 जनवरी को जेम का जन्म हुआ। एक बड़े अमीर घर में उनकी शादी हुई और उस शादी से उन्हें 4 संतान प्राप्त हुए। उनका पति एक शिकार के दौरान मारे गए और मात्र 28वें साल की उम्र में जैन विधवा हो गई। 1604 में संत फ्रांसिस द सालस के प्रवचन सुनने के बाद जैन बड़ी प्रभावित हुई और उनको अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में चुन लिया। अपने बच्चों के जीवन के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरा करने के बाद जैन घर छोड़ने का निश्चय किया। उनके 14 साल का लड़का जब मां घर से निकल कर जाने वाली थी, उनको रोकते हुए उनके सामने लेट गया। थोड़ी देर तक जैन सोचते रही, उसके बाद अपने निश्चय पर आगे बढ़ते हुए लेटे हुए अपने बेटे को पार कर जैन आगे बढ़ी। वो स्विट्जरलैंड के अनसी पहुंच गई। अनसी पहुंचकर जैन ने कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द विजिटेशन नामक धर्म समाज की स्थापना की। इस धर्म समाज के अधिकतर सदस्य अन्य धर्म समाज से निकाले गए या तिरस्कृत लोग थे। संत जैन अपने धर्म बहनों को लेकर इतने सख्त थे कि वे उनके जैसे विनम्र और सौम्य बने रहे। 1622 में जब उनके आध्यात्मिक गुरु फ्रांसिस दे सालस का देहांत हुआ, तब उन्होंने विंसेंट डी पॉल को अपने धर्म गुरु के रूप में चुना। कई मानसिक एवं शारीरिक पीड़ाएं झेलने के बाद 13 दिसंबर 1641 में संत जैन का देहांत हुआ। उनके मरने के समय उनके धर्म समाज के 86 मठ थे, जो उसके बाद कई 100 बन गए दुनिया के अलग अलग देशों में। 1751 में वो धन्य घोषित की गई और 1767 में वो संत घोषित किए गए। संत जैन विधवाओं एवं बच्चों से तिरस्कृत माता पिताओं के सार्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। संत जैन ईश्वर के प्रति अपने प्रतिबद्धता की वजह से इस दुनिया के सारे आयश और आराम छोड़ दिए। जब हमें इस दुनिया के आयश और आराम अपने तरफ आकर्षित करते हैं, इस महान संत का उदाहरण हमें प्रेरित करनी चाहिए कि हम ईश्वर के प्रति अपने विश्वास में विश्वस्त बने रहें, अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं।